आप देख रहे हैं रबजी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। आज पटना के आर ब्लॉक के पास बैंक कर्मी जो है सड़क पे उतर गए। सर आखिर क्या कारण है कि आप सड़क पे उतर गए आज? सरकार जो है तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने की एक साजिश के तहत बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल 2021 इस शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है। पिछले 6 दिसंबर को ही आना था। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि शायद हमारी चट्टानी एकता, चूँकि तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के जितने भी संगठन हैं, अधिकारी संगठन, कर्मचारी संगठन, उसके तमाम नेतागण मिल कर करके अपनी जो सॉलिडेरिटी, अदर सेक्टर के लोग भी, BSNL हो, इवन कि वर्ल्ड WFTU वर्ल्ड ट्रेड यूनियन के भी लोगों ने सॉलिडेरिटी दिया है, किसानों ने भी सॉलिडेरिटी दिया है। हो सकता है कि उससे घबरा कर 6 दिसंबर कोई बिल संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं लाया गया, लेकिन जब तक शीतकालीन सत्र है तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने कोशिश किया कि हम हड़ताल वापस ले लें। उनके नुमाइंदे वित्त मंत्रालय के भी आए, तमाम यूनाइटेड फोरम के नेतागण भी वहाँ बैठे थे। कल तक वार्ता चली दोपहर तक। ये कोशिश किया गया कि आप कम से कम ये इंश्योर कर दो, क्योंकि हम देश के हित में नहीं चाहते हैं कि हम बैंक को बंद कर करके आम पब्लिक को हम नुकसान करें या देश की आर्थिक स्थिति चरमराए। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अपने वेतन वृद्धि के लिए आज सड़क पर नहीं हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपने बोनस के लिए, अपने नए रिक्रूटमेंट के लिए सड़क पर नहीं हैं। हमारी मजबूरी ये है कि तमाम देश में सरकारी बैंकों में जिस भरोसे के साथ हमारे और आपके दादा चाचा नाना नानी, जिन लोगों ने भी जो पैसा जमा किया है, वह सरकारी बैंकों में सुरक्षित है। सरकार निजीकरण के साजिश के तहत इस बिल को ला करके ये तमाम पैसे को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने की एक साजिश कर रही है, जैसा कि पिछले बार भी आपने देखा है 7 साल में क्या हो रहा है। और इसलिए हम लोग आज सड़क पर हैं कि किसी भी सूरत में हम इस बिल के खिलाफ आंदोलन रहेंगे। निजीकरण करने से ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बुरा हालत ग्राहक पर ही पड़ने वाला है, सबसे बुरा। सर पूछिए क्यों? हमारा अब सरकारी बैंक जाते होंगे, फटी जूता, फटा हुआ जूता, फटी हुई धोती लिए हुए आदमी आता है, पंखा चलता होता आके सो जाता है। इमेजिन कर सकते हैं किसी भी निजीकरण बैंकों में वो अंदर घुस सकता है 200 रुपया निकालने के लिए, 500 रुपया निकालने के, जो उसका बेटा ने दुबई से भेजा है, कभी नहीं हो सकता। वो गरीब आदमी अब कहाँ जाएगा डर के मारे, चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है, सरकार उसको इतनी ज्ञान दे नहीं पाया, ले भी नहीं सकता बेचारा। वो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? वो गरीब आदमी अंत में वहाँ जाएगा वो साहूकार के पास, वो समझदार लोग कहलाने वाले लोग के पास, वो फिर उससे ब्याज लेगा। आपको पता होगा प्राइवेट बैंक आ गया एयरटेल वाले, वो अपना पैसा लेंगे, अपने पैसे से पैसा लेते हैं अलग से, 20 रुपया अलग से चार्जेज है, 20 रुपया और देते हैं। तो ये निजीकरण का एक शुरुआत है मात्र, लेकिन सोचिए छोटे छोटे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारा वोट इज इक्वल टू उसका वोट है, इसलिए समझना पड़ेगा ये प्रधानमंत्री और उनकी टीम को। अगर नहीं समझे, ये दर्द वहाँ तक जाएगा। हमें तो नौकरी करनी है, कभी भी कर लेंगे, लेकिन ये दर्द वहाँ तक जाएगा। छोटे छोटे उद्योगपति 50,000-1,00,000 का लोन कौन दे रहा है आज के तारीख में? जो भी दे रहा है, जो भी दे रहा है 40-40% 20-20% ब्याज लेके दे रहा है, जबकि बैंक में आज भी अधिकतम ब्याज 10.25% है। सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला अगर है तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, गुरबा, अकेले जिसको हम कहते हैं, उस पर पड़ने वाला है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर एक चीज़ और बताइए, आप अभी STI की कितने दिनों का है? अभी तो आज पहला ही दिन है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की यह आह्वान है कि ये निजीकरण के बिल ये लाने वाले हैं अभी लोकसभा में। पहले से भी हम लोग विरोध करते आ रहे हैं, हालांकि ये लड़ाई आज से नहीं शुरू हुई है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब नरसिंहा राव गवर्नमेंट ने लाया, उसी समय से ये लड़ाई शुरू है। धीरे धीरे उस समय में LPG लाए और अब आर्थिक सुधार के नाम पर निजीकरण निजी हाथों में डालना चाहते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे सरकार से भी, लोगों को, कि आखिर बैंक ने 1969 के नेशनलाइजेशन के बाद आम आदमी तक पहुँचने की पूरी कोशिश की। गाँव-गाँव आप भी जानते हैं, गाँव-गाँव शाखाएँ खुली, गांव-गांव लोगों को छोटे छोटे ऋण दिए गए, जानवर के लिए, छोटे छोटे दुकानों के लिए, छोटे छोटे कारीगरों को, सभी को ऋण देकर उनको सक्षम बनाया गया, उनको अपने पैर पर खड़ा करने का अनुमति मिला। अभी हाल के दिनों में मोदी सरकार की अगर उपलब्धि देखें तो उनको सबसे ज़्यादा उपलब्धि गिनाते हैं जनधन खाता, और वो भी बैंक कर्मचारियों ने किया। और ये राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों ने अभी कोरोना काल में, आपने देखा होगा कि इतनी संकट में भी सभी लोग जब घर में थे, लॉकडाउन में बंद थे, तब बैंक कर्मचारी में बैंक में बैठकर लोगों का भुगतान कर रहे थे। जो उन्होंने 500-500 रुपया लोगों को सहायता के रूप में दिया था खाता में, वो बैंक कर्मचारी बैठकर के रिस्क लेकर के, उसमें बहुत से हमारे बैंक कर्मचारी
कोरोना के शिकार भी हो गए, शहीद भी हो गए। इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, अटल योजना हो, पेंशन योजना हो, जो भी है, ये सारे स्कीम बैंक के द्वारा, बहुत मेहनत के द्वारा बैंक कर्मचारियों ने, राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों ने। देखिए, आप एक और चीज़ याद दिलाएंगे, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो बड़े बड़े देशों के, USA, UK के कई एक बैंक धराशायी हो गए, पर हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीयकृत बैंक था, इसका अपना जो काम करने का तरीका है वह यथावत खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा, देश की आर्थिक स्थिति को कभी ढीलने डोलने नहीं दिया। ऐसे नींव अगर हमारे पड़े हुए हैं तो आखिर क्या आवश्यकता है निजी हाथों में डालने के, जबकि निजी बैंकों में हाल फिलहाल के दिनों में कई एक बैंक धोखाधड़ी के चलते बैंक बंद कर दिए गए हैं या लोगों के पैसे लेकर भाग गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीयकृत बैंक में जहां लोगों का भरोसा है, साधारण से साधारण आदमी, ठप्पा देने वाले से लेकर के पढ़े शिक्षित लोग तक बहुत आराम से, सहज रूप से जाते हैं। अभी भी निजी बैंकों में क्या है, मिनिमम 10,000-20,000 से खाते खुलते हैं, वहाँ सभी लोग नहीं जा सकते, वहाँ क्लास बैंकिंग है, यहाँ मास बैंकिंग है, यहाँ आम लोगों का प्रवेश है, यहाँ आम लोगों की एक्सेस है, यहाँ आम लोगों का पैसा है जमा, यहाँ भरोसा है। ऐसे में इस भरोसे को क्यों तोड़ रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं कि ये सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कहते हैं ना कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, पर ये तो मोदी सरकार लगता है जैसे कि किसी पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए सरकार, ऐसा लगता है। आप सब लोग इस बात को, मीडिया वाले भाई भी इस बात को सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं यह लक्ष्य कहाँ है, ये कहाँ लिया जा रहा है, यह लक्ष्य कहाँ जा रहा है, निजी हाथों में सौंप कर आपको जनता ने चुनकर भेजा, क्या आप सक्षम नहीं है जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए बैंकों के माध्यम से, जो आप किसी निजी व्यक्ति को देना चाहते हैं? तो अगर ये हमारा ये सवाल है कि निजीकरण कोई हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है, रोजगार घटेगा और लोगों का, अभी देखे ना हमारे ग्राहकों के जो सावधि जमा है, उस पर कितना कम कर दिया गया है ब्याज दर, क्यों? क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ऋण दिया जाए कम से कम ऋण ब्याज करके, ऐसे में कहीं भी हित हमारे नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। चलिए, अभी ये बैंक कर्मी हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, ये इनका कहना है कि न ग्राहक को फ़ायदा होने वाला है और ना ही कर्मी को फ़ायदा होने वाला। तो चलिए, अभी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रवजी लाइव, अभी के लिए बस इतना ही।